खैर बड़े सरकार बात चाहेंगे खैर बड़े सरकार बात चाहेंगे खैर बड़े सरकार क्या हुआ जेठ जी, बैठाएंगे नहीं हमें? आपकी बेटी का शगन लेकर आए हैं, होने वाले समधी हैं आपके। वो भी आपकी माँ के बनाए हुए समधी। कैसी बातें कर रही हैं भरजाई? आपका अपना घर है, प्लीज बैठिए। आपकी बेगम नजर नहीं आ रही, आप बैठिए ना प्लीज, वो आ रही हैं। अच्छा, हमारी बेटी से तो कहें, कम से कम अपनी होने वाली सास से ही मिल ले, ये तो आपके पीछे ही जा छुपी। बच्ची है अभी, ऐसी गुफ्तगू कभी सुनी नहीं है इसने, वो भी एक जवान लड़के के सामने। आप प्लीज बैठिए। काली जी। सरकार, बीबी से कहिए मेहमान आए हैं। जो हुक्म सरकार। बाबा, मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आए। बुरी बात है बेटा, खाला से मिल लो फिर चली जाना। नहीं बाबा, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे छोड़कर आए आप खुद। अच्छा, जाइए आप बैठिए, मैं दो मिनट में आता हूँ। बीबी साहबा, मेहरबानों बीबी आई हैं। 20 साले का शगुन लेकर बनशे बीबी के लिए पूरा शगुन लेकर आई हैं जी, मिठाइयों समेत, और साथ में सारी बांदियां भी हैं। साई कहाँ है? बीबी साहबा, वो गुड्डी बीबी तो ऐसे घबरा गई कि रो ही पड़ी। बड़े सरकार उन्हें ऊपर कमरे में लेकर गए हैं, बहुत डर गई हैं जी वो। कितनी बुरी बात है, इतनी बद अखलाकी। क्या सोच रही होंगी तुम्हारी खाला मम्मी, बाबा ने ये तरबियत की है अपनी बेटी की। बैठो। अच्छा खैर, अब रोने की जरूरत नहीं है। ऐसा मौका हर लड़की की जिंदगी में आता है। नीचे मेहमानों के पास बैठना है मुझे। नहीं, मैं दूसरी बात के लिए ना कह रही हूं।
सलाम ताई जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो पीर साले? आपकी दुआ है। अरे आपा, आप क्यों उठ गई? मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े अपने जेठ जी की इज्जत में खड़ी हूँ। बहनोई है आपके, और वो भी छोटे। गांव का बादशाह भी तो है। मेरे कानों में तो अब तक नारे गूंज रहे हैं गांव वालों के, सबकी इज्जत के हकदार हैं। एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही तरबियत में परवरिश, मिलते जुलते चेहरे, फिर भी मुझे रिजेक्ट करके बख्सुभान ने इससे शादी कर ली। ऐसी क्या कमी थी मुझ में, या किसी चीज की ज्यादती है शहरबानों में? आज तक भूली नहीं मेरी बहन मुस्तरित होने का गम, कि आज भी मुझे अपना मुजरिम समझती है। इसकी नजरों में मेरे लिए शिकवा और साईं के लिए हसरत शायद कयामत तक खत्म नहीं होगी। बड़ी आस लेकर आई हूं आपके पास, उम्मीद है कि इस बार मेरी झोली भर जाएगी। ताई अम्मा के किए हुए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। असूलन तो वैसे मुझे आप लोगों से शिकवा करना चाहिए कि आप लोगों ने मेरी बहू को जहनी तौर पर तैयार होने ही नहीं दिया कि उसकी शादी पीर साले बख्त से होगी। खैर छोड़े, फिर जेठ जी कब लाएं बारात हम? अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। ताई अम्मा के फैसले के बाद तो बनफ्शे के बड़े होने का इंतजार किया जा सकता था, सोचने की गुंजाइश ही कहां रहती थी जेठ जी? वो तो ठीक है, लेकिन गुड्डी अभी छोटी है, वैसे भी उसका रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद मुझे उसे मजीद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजना है। फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं। हमने अपनी बेटी को भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, बहू को भी पढ़ा लेंगे जेठ जी। फिर भी अभी हमारा कोई इरादा नहीं है। इरादा अभी नहीं है या सिरे से ही नहीं है? कम से कम उस वक्त तक तो नहीं है जब तक पीर साले वक्त अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में इंसानियत और ठहराव नहीं लाते। हम तो किसी भी शर्त के बगैर आपकी तरबियत पाने वाले पीर अहराम का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि हमें कुछ पता नहीं कि वो लंदन में क्या क्या कर रहा होगा। हमें नहीं पता कि वो लौट कर पाकिस्तान आएगा भी कि नहीं। अरे नहीं नहीं आपा, वो आने वाला है, पढ़ाई भी तो मुकम्मल करनी है ना। उसे बताया है कि उसकी दादी क्या हुक्म दे गई है, या वो भी बनफ्शे की तरह हमें देखकर आपके पीछे जा छुपेगा जेठ जी? वक्त आने पर सबको
सब कुछ बता देंगे। बीबी, मेहमानों को आए हुए काफी देर हो गई है, मेहमान नवाजी करवाइए। पीर साले की शख्सियत ही नहीं, फितरत ही बुरी है, कभी नहीं बदलेगी। क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरे माँ बाप की ख्वाहिशें, उनकी दी हुई कस्में एक एक करके मेरी सारी खुशियां ले लेंगी? ख्वाहिशें, कस्में? एक ही ख्वाहिश की थी चची अम्मा ने आपसे, वो भी गुजारिश थी, आपने हाथ थाम के हाँ कह दी। वरना मैंने तो चची अम्मा को हमेशा आपके सामने ममनून ममनून सा, मशकूर सा देखा। हम पूछते रहते थे कि आपसे इतना खास प्यार क्यों, तो कहती थी बख्श सुभान ने हमारी झोली भर दी फरमा बरदारी से। आखिर ऐसा क्या खास किया आपने जो दूसरे बेटे नहीं कर पाए? बीबी, जैसे एक कमजोर शागिर्द किसी एक पेपर में पास होने के लिए इतनी मेहनत करे कि वो बाप की पेपर्स में फेल हो जाए, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अच्छा बेटा बनने के इम्तिहान में तो पास हो गया, लेकिन बाकी रिश्तों में फेल। सारे रिश्ते तो निप गए, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आज भी भूखे पेट सो रहा है और आप किसी मां की तरह रातों को उठ उठकर बेचैन हो जाते हैं? कुछ नहीं, वो मैं बनफ्शी की वजह से कुछ घबरा गया था। साईं, ऐसा क्यों है कि मैं जब भी आपके दिल तक पहुंचती हूं आप अपना दिल बचाकर उठ खड़े होते हैं? आपके साथ शादी करके मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं बची बीबी। खोया कहीं और है, मेरे पास तो नहीं है। आप भूल रहे हैं, मैंने खुद आपको चुना था। यह भी मुफ्त का इल्जाम है मुझ पर। आज तक आपा से ताने सुनने पड़ते हैं कि उनके मंगेतर पर कब्जा जमा लिया मैंने। ये आप दोनों बहनों का आपस का मामला है। खैर, रात
गहरी हो गई है, अब सो जाएं। मेरा मगफरत मांगने का वक्त शुरू हो गया है। वेख मलका, ये कोई तरीका नहीं है कबीरे का। जिस घर में जवान लड़की हो उस घर में रिश्ते भी आते हैं। और लड़की अगर खूबसूरत हुई ना तो लड़के पीछे भी आते हैं। लो, अब उसने तुझसे लड़की लेनी होती तो घर की बात थी, तू करना देती उसका ब्याह या कम से कम मंगनी ही। लो, अब याकूब ने ऐसा भी क्या गलत कह दिया। अजीब लड़का है ना, उसका कहीं ब्याह होने देता लड़की का और ना खुद उससे ब्याह करता है। वेख मलका, तू सोच ले, मेरे मुंडे की अपनी परचून की दुकान है, बीए पास है और घर भी हमारा तुम्हारे जैसा ही है भरा पूरा। और यकूब ने तो हमें बड़ा जोर डाल के भेजा है। तू कहे तो यकूब के बाप को भेजूं रात में भाई गुलामों के पास। तू बिस्मिल्ला करके हाँ कह दे, तेरी मेहरबानी होगी। छोड़ मुझे, मैं जाके जवाब दूं इन्हें। हाँ, नहीं और तू क्यों मुंह लगेगा? अब्बा मेरा हाथ छोड़, मैं जाके इनके मर्दों की खबर लेके। अच्छा अच्छा, फुफो का गुस्सा ये रिश्ता मांगने वाले पर उतारेगा तू? हैं, ठीक ही तो कह रही है। जिस घर में लड़कियां होती हैं वहां रिश्ते तो आते ही हैं। चल चल ठंडा हो जा, चल बस 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 आ जा आ जा। वैसे ही मेरे बेटे ने खाम खाम में इतनी खुआरी उठाई है। मेरी तरफ से माजरत, मैं नूरा फरोज आप लोगों को नहीं दे सकती। अरे अमी पागल ना बन, इतना अच्छा रिश्ता ना गवा कबीरे के चक्कर में। वो नहीं करता शादी इससे, वो बड़ा अफसर बन के करेगा क्या? एवं दिल लगियां कर रहे हैं, वो शर्त लगी है लड़कों की। नहीं नहीं, वो तो चाहता है पर बस मुझे अभी नूरा फरोज को ब्याना नहीं, पढ़ाना है। तेरी मर्जी, तू अपने भाई और भतीजे के खौफ में अगर अपनी बेटी की दुश्मन खुद ही बन जाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बिठाए रख अपनी लड़की को अपने होने वाले अफसर भतीजे के इंतजार में। इन दोनों के सर पे हाथ रख के तुम नूर अफरोज पे कब्जा ही जमा लिया दोनों बाप बेटे ने। ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे घर का मामला है। नूरा फरोज मेरी बेटी है, उसे ब्याऊं या बिठा के रखूं, आप लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? अरे तेरी मर्जी, हमारी तरफ से चूल्हे में झोंक दे अपनी बेटी को, हमें क्या। चल, बड़ी आई रिश्ते देने वाली, ले मेरे बेटे को कोई रिश्तों की कमी है भला? देखो कर दिया ना दो टके का पूरे मोहल्ले के सामने, क्या कमी है मुझमें? क्यों नहीं कर देती मेरी मंगनी इसके साथ? बोल नूर अफरोज, तुझे इतराज है मुझसे शादी करने पे? बोल ना, चुप क्यों खड़ी है? शादी करेगी मुझसे? तू अभी हां कर, मैं अभी के अभी काजी को लेकर आता हूं, फिर पुप्पी चाहे जितना मर्जी मना करे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? मेरी जान ले लेगी? ले ले, बोल बोल ना। जो अम्मा की मर्जी। तो ठीक है फिर थुप्पी, या तो कल तू मेरी इसके साथ मंगनी की मिठाई बांट रही होगी या फिर मेरे कुल के चने। देख क्या रही है थुप्पी, पूरा कस्बा जमा था चौक में जब मैंने कसम उठाई थी से शादी करने की, अब जलील होके जिंदा रहने से तो मैं रहा। थुप्पी सिर्फ आज का दिन है तेरे पास, सोच ले, भतीजे को ब्याना है या दफनाना।
वंदे सरकार दी बादशाही दी सैर होवे, वंदे सरकार दी बादशाही दी सैर होवे। जिस दिन तुम हज पे हो गए, तुम्हारा भी ऐसे ही साथ दूंगा। अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं, कम से कम उस वक्त तक तो नहीं है जब तक पीर साले वक्त अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में इंसानियत और ठहराव नहीं लाते। तो फिर क्या कहा था सरकार ने? उन्होंने कहा है कि पीर एहराम बख्त के आते ही तुम्हारी शादी उसके साथ और बनफशे की पीर साले से तय हो जाएगी। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और शादी की तैयारी करो। एहराम का ऐसा कोई इरादा नहीं है। इरादा करने में देर कितनी लगती है? नहीं है तो हो जाएगा। आपके लिए ताया सरकार मान गए? क्यों, मुझ में क्या बुराई है? क्योंकि बनफ्शे आपसे बहुत छोटी है और आप उसका आइडियल नहीं है। मसला ये नहीं कि मैं उसका आइडियल हूं या नहीं, मसला ये था कि वो मेरी आइडियल है या नहीं, और वो मेरी आइडियल है। मुझे ऐसी ही छुई मुई सी सहमी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं, जिनकी आंखों में मेरे लिए खौफ हो। मैं तो समझता था कि ताया सरकार के लाड प्यार ने उसे ना डर बना दिया होगा, लेकिन वो तो एक सहमी हुई चिड़िया है और मैं उसके लिए कयामत तक भी इंतजार कर लूंगा। माँ, आप मेरे इंतजार की फिक्र ना करें। भाई, आपको चिड़िया इसलिए चाहिए कि आप उसे पिंजरे में बंद कर सके। क्यों, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तू संग्रेज एहराम के साथ आजाद थी गुजारना। आ रहा है वो अगले महीने, कह आई हूं मैं तुम्हारे ताया सरकार को कि आखिर मेरी राबील का क्या कसूर है कि इतना लंबा इंतजार करे वो पीर एहराम का। मैं उसका कोई इंतजार नहीं कर रही, सुना आपने? मैं उसका कोई इंतजार नहीं कर रही, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तुम्हारी दादी का फैसला है ये, मेरी जिंदगी का फैसला है ये। पीर एहराम से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? वक्त आने पर बता दूंगी। रबीर, एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारी शादियां तय हो चुकी हैं, इसलिए बहस की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों तरफ से सिर्फ इंतजार तो किया जा सकता है, लेकिन इनकार नहीं। इसलिए अगर तुम्हारा दिल ना भी माने तो उसे समझा बुझाकर मनाओ, और अगर इस इनकार की कोई और वजह कहीं सांस ले रही है तो उस वजह को खत्म कर दो, वरना उस सांस को खत्म करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। राबेल को इस शादी के लिए आमादा हो जाना चाहिए। ये दोनों शादियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर राबेल की शादी पीर एहराम बख्त से हो जाती है
तो बनफ्शे की शादी के इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हारे ताया के मुंह से हां करवाने का एक ही गुर है, यतीम भतीजी के इंतजार के नाम पर उसे ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि वो भतीजे को तो ना कह सकता है लेकिन अपनी यतीम भतीजी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। और ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि राबील भी बनफ्शे जितनी ही लाडली है उनकी। लेकिन इस इनकार की वजह क्या है? वजह चाहे जो भी है पीर साले, मुझे तुम्हारे ताया के मुंह से हां सुननी है। मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब तुम अपने ताया के दामाद बनकर इस पूरे गांव के वारिस बनोगे और पूरा गांव तुम्हारी बादशाही दी खैर के नारे लगाएगा और उनका दाया हाथ अहराम भी मेरा ही दामाद होगा और वो दोनों मियां बीवी हमारे घर के रहमो करम पर होंगे। मिल गए रेलगाड़ी के टिकट। कबीर आएगा तो क्या कहूं उसे? कहना तू जिद ना करता तो तेरी फूफी फिर से फांसी घाट ना जाती। कर देना मम्मी, कौन है जो तुझसे सवाल पूछेगा? हाँ बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी भाव, मुझसे से इजाजत लिया फिर वही होगा जो कबीर चाहता है। ना 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 जाना वहां, देख पहले भी लुट के तू आ चुकी है, अब ये बच्ची कुछ चीज पूंजी लेकर जाएगी तो नए आंसू नए रोग ही लेकर आएगी ना। कर देते हैं ना मंगनी। मुर्शिद की दुआ के बाद एक बार झोली में हाँ मिल जाए फिर चली आऊंगी। अच्छा तू दुआ लेके आ जा, इसे तो यहां रहने दे। पैर तो इसे ही छूने पड़ेंगे ना भाऊ। और रहन दे ना जाना, मुर्शिद की दुआ के बगैर आधी जिंदगी तो गुजर गई, आधी भी गुजर ही जाएगी। ये याद कर, देख इसे, तू भी इसी उम्र में गई थी दुआ लेने के लिए दरगाह पर, हाँ? तो क्या हुआ था, झोली में बददुआई भर कर आ गई थी ना, ना ले जा इसे। मामू कहाँ है अम्मा के मुर्शिद का डेरा? बख्ता वाला।
तुम्हें कैसे पता चलता है मेरी प्यास का? मेरा हलक सूखा पड़ जाता है सरकार। चलो बक्का वाला में जाए तो ट्रेन नहीं रुकती। तो मुझे नहीं पकड़ सकती बक्का। माफी छोटे सरकार, माफी, खता हो गई। नूरा फ्रोज। हाँ माँ। तू बस मेरे पीछे पीछे आ जा। जाने डाकी वाला पूछ रहा है। दरगाह बड़े बख्तों वाला।